हेलो बच्चों, कैसे हो? सुप्रभात। तो आज मैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। इससे जो है आपके JEE एडवांस, नीट और आपका जो 12th का बोर्ड एग्जाम होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल ये चैप्टर है और न्यूमेरिकल भी है। तो न्यूमेरिकल तभी आप लोग सॉल्व कर पाओगे बढ़िया क्वेश्चन, जब आप इनके जो है कॉन्सेप्ट्स समझे रहोगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जैसा कि नेम से स्पष्ट है बच्चों कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक तो है आपका इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा बच्चों है केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री वर्ड है, इसका मतलब होगा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ओके, तो इस चैप्टर में आप देखोगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, या आप पढ़ोगे कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा किस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो आज अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, पहले इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर के बारे में, क्या क्या चीजें आप पढ़ोगे। तो पहला जो होगा बच्चों, इसमें आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल से, पहला पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बच्चों गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल को बच्चों वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, वोल्टाइक, VOLTAIC। ओके, तो ये आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर ये जो है, इस पर बहुत सारे जो है आपके फार्मूले वगैरह जो है बनेंगे, जैसे EMF कैलकुलेट करना इत्यादि। दूसरा बच्चों इसमें पढ़ोगे रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ये पढ़ोगे। आज का वैसे हमारा जो लेक्चर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल पर बेस्ड होगा। उसके बाद बच्चों आप लोग पढ़ोगे नॉट इक्वेशन, नॉट इक्वेशन, नॉट इक्वेशन के बाद बच्चों आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वह सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट काजेज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ये आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना
पड़ेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, उसके बाद बच्चों आप लोगों को पढ़ना है फैराडेज लॉ, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे फैराडेज लॉ, तो उसी का थोड़ा सा विस्तार होगा। जो लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे उनके लिए इजी है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और छठा जो टॉपिक है बच्चों कंडक्टेंस, हम कुछ कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टेंस क्लास 10th में बच्चों आप लोग मेटेलिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, मेटल कंडक्टर होता था, किस तरह से जो है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता था, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं जिनके द्वारा जो है करंट कंडक्ट किया जाता है। जबकि आपको क्लास 12th में पढ़ना है बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मतलब कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा और इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से कंडक्ट होता है। ओके, तो इसको मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं केटायंस और एनायंस, किस तरह से ये मूव करते हैं और करंट को कंडक्ट करते हैं, तो ये आपको इस चैप्टर में मोटे मोटा पढ़ना है। इलेक्ट्रिक केमिकल से, इलेक्ट्रोकेमिकल से या गैल्वेनिक से या वोल्टास से, आपका आज का लेक्चर इसी पर बेस्ड है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में रिडक्शन पोटेंशियल बताया जाएगा, उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन बताया जाएगा, फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल बताया जाएगा। ओके, उसके बाद फैराडेज लॉ, फिर कंडक्टेंस, और बीच बीच में जो है जो न्यूमेरिकल्स होंगे रिलेटेड उन न्यूमेरिकल्स को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो हम मिटा देते हैं, मिटाएं। ओके, बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूंगा एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बच्चों, एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये बहुत पहले की बात है, आज नहीं बहुत पहले, ठीक है ना, उसमें सॉरी इट इज नॉट सीन वीडियो अब आ रहा होगा, आया ना। एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया गया था बच्चों, एक हमारे पास एक होता था एक वो कंटेनर, एक बर्तन ले लेते हैं, इस बर्तन में सॉल्यूशन भर लेते हैं, सॉल्यूशन ओके ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट एकवस सोल्यूशन पानी में घोल करके बनाया गया है। ओके, फिर इसमें बच्चों एक राड डाल देते हैं, क्या करते हैं एक राड कॉपर का राड डाल देते हैं, कॉपर का नहीं बल्कि जिंक का डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और इसमें हम जिंक का राड डाल देते हैं, जिंक राड, ये आपका हो गया जिंक राड। ओके, तो कुछ समय के बाद बच्चों ऑब्जर्वेशन मिला, क्या मिला ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन मिला, ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ कि पहला ऑब्जर्वेशन ये प्राप्त हुआ कि जो जिंक का रॉड था, जिंक रॉड रिड्यूस्ड इन वेट, रिड्यूस्ड इन वेट
अर्थात जिंक का राड जो है इस तरह से ये जितना सोल्यूशन में डूबा हुआ था वो इस तरह से कट गया, सोल्यूशन में आ गया, ठीक है, इस तरह कट करके सोल्यूशन में आ गया, ये इतना पार्ट जो है सोल्यूशन में आ गया जी। ओके, दूसरा ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ बच्चों, दूसरा ये जो कॉपर सल्फेट जो होता है बच्चों ना, ये ब्लू कलर का होता है, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। दूसरे ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, फेड्स अवे, ओके, कलरलेस होने लगता है, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन बच्चों दिखाई पड़ा था, तीसरा ऑब्जर्वेशन कि इसमें रेड प्रेसिपिटेट मिलने लगा, यहां पर नीचे रेड रेड जो है प्रेसिपिटेट प्राप्त होने लगा, रेड प्रेसिपिटेट, ओके, रेड पीपीटी प्राप्त होने लगा इनसॉल्युबल। और चौथा ऑब्जर्वेशन था टेम्परेचर जो है राइज होने लगा, इसमें थर्मामीटर जब लगाया गया, थर्मामीटर, ओके, ये थर्मामीटर है, जैसे मान लीजिए ये थर्मोमीटर आपका है, थोड़ा सा बहुत बुअर बन रहा है फिलहाल, कोई बात नहीं, ये थर्मोमीटर हो गया, थर्मोमीटर, ओके, तो टेम्परेचर जो है सोल्यूशन का राइज हो गया, तो ये ऑब्जर्वेशन क्यों हुआ, जिंक रॉड का वेट क्यों कम हुआ, यहां पर जो है कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो फेड क्यों हुआ, रेड प्रेसिपिटेट कहां से आया, टेम्परेचर क्यों बढ़ा, तो इसके मैकेनिज्म को सीखने के लिए प्रयास किया गया। तो आइए मैकेनिज्म को हम समझाते हैं, मैकेनिज्म, ये जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुए हैं इनका क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म, ओके, मैकेनिज्म देखेंगे तो लगा कि जो है जिंक जो सॉलिड रहा है वह सॉल्यूशन के अंदर चला गया, सॉल्यूशन के अंदर चला गया दो इलेक्ट्रॉन लूज करके, ओके, मतलब जिंक राड का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक राड, ओके, जिंक राड का ऑक्सीडेशन हुआ, अब ये ब्लू कलर क्यों फेड होने लगा, तो उसके लिए ये जो कॉपर आयन थे बच्चों, जब सल्फेट लेते हैं कॉपर सल्फेट जो है टूट जाता है कॉपर आयन और सल्फेट आयन में, ठीक है, तो ये कॉपर आयन क्या हुआ होगा, यही जो है ब्लू कलर का होता है कॉपर आयन, ओके, यह यहां से जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक के द्वारा जो लूज किया जा रहा है उसको ये कॉपर आयन गेन कर ले रहा है और गेन करके कॉपर सॉलिड बना ले रहा है, और यही कॉपर सॉलिड जो है रेड प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसीलिए जो है ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड सॉल्यूशन एंड रेड प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेंड, ओके, अच्छा, तो देखा कि देखिए यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बच्चों, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, ओके, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है अर्थात यहां पे रिडक्शन हो रहा है, चूंकि
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में हो रहा है, रिडक्स हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ साथ हो रहे हैं, इस कारण से ये रिडक्स रिएक्शन हुआ। और ये रिडक्स रिएक्शन सेम कंटेनर में हो रहा है, अर्थात ये डायरेक्ट है। कैसा है? डायरेक्ट, डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन सच और रिडक्स रिएक्शन, सच और रिडक्स रिएक्शन इन विच सच अ रिडक्स रिएक्शन विच इज विच अकर्स साइमल्टेनियसली इन सेम कंटेनर, सेम कंटेनर। ओके, देखिए एक ही कंटेनर के अंदर रिडक्स रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा है, रिडक्शन जो है इसका पर आयन का हो रहा है, तो डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन। और बच्चों ये जो रिडक्स हो रहा है यह स्पॉन्टेनियस है। कैसा यह है? स्पॉन्टेनियस है ये रिडक्स। कैसा है? स्पॉन्टेनियस, दिस रिडक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। मतलब यह अपने आप होता है, जैसे ऊपर से पानी नीचे जमीन पर गिरता है, झरने से पानी नीचे आता है, यस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में बच्चों होता क्या है, आपने क्लास 11 में पढ़ा था, गिब्स फ्री एनर्जी इज लेस देन जीरो, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। मतलब क्या, रिएक्शन के पहले एनर्जी ज्यादा थी, रिएक्शन के बाद एनर्जी कम हो गई, यह एनर्जी किधर गया? एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट। और हीट के रूप में एनर्जी रिलीज हुई, इसीलिए थर्मोमीटर का टेम्परेचर, थर्मामीटर में जो है रीडिंग ज्यादा आने लगा। ओके, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया। तो बच्चों हमको तो प्राप्त करना था इलेक्ट्रिक करेंट केमिकल रिएक्शन के द्वारा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के द्वारा, स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन के द्वारा हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करना था। परंतु यहां पर क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी जो हीट एनर्जी में चेंज हो जा रही है, मतलब यह हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, तो यहीं से एक आइडिया चुराया गया कि हम क्या चेंज करें, क्या परिवर्तन करें इस एक्सपेरिमेंट में, जिससे कि केमिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में न चेंज होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। ओके, तो इसके लिए बनाया गया बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, इसको नोट करिए, वीडियो को पास करके नोट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो पास करके नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। तो बच्चों अब आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल को बच्चों वोल्टाइक सेल कहा जाता है। ओके, इस सेल में क्या होगी बच्चों, इस सेल में जो होगी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी ओके गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
केमिकल एनर्जी। और ये क्यों होगी? क्योंकि यह स्पॉन्टेनियस है, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। और आप जानते हो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है। ओके, तो हम ऐसा सेल बनाएंगे जो फिलहाल आपके एनसीईआरटी बुक में जो होगा इलेक्ट्रोड लगा रहेगा जिंक कॉपर, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड जब यूज होता है जिंक कॉपर, तो उस सेल को हम कह देते हैं बच्चों डैनियल सेल, डैनियल सेल। ओके, एक्सप्लेनेशन जिंक कॉपर सेल का ही किया जाएगा, डैनियल सेल का दिया जाएगा। डैनियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। ओके, न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस जो होंगे डैनियल सेल से भी आ सकता है, अदर सेल्स जैसे कि निकिल सिल्वर सेल, क्रोमियम लेड सेल इत्यादि से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सारे जो होंगे ऐसे ही, जैसे ये आपका बन रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्या जाने वाला है, उसी तरह से आपको समझना होगा, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में चाहे अदर जो भी जितनी सारी बुकें होती हैं उन सब में ये डैनियल सेल के बारे में ही डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, तो उसी को हम आपके सामने अब प्रस्तुत करूंगा। नोट करिए और फिर अब मैं डैनियल सेल बनाने जा रहा हूँ, मिटा दें। ओके, चलिए तो अब हम चालू करते हैं डैनियल सेल, डैनियल सेल। ये होता क्या है, ये क्या होता है, यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। एग्जाम्पल ऑफ, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक। आप लोग देख लीजिएगा, बुक होगा ही आप लोगों के पास, ठीक है ना। तो बच्चों इसके लिए अब हम शुरू करते हैं, अब वास्तविक कहानी चालू हो रही है डैनियल सेल की, इसको हम बनाते हैं। और अच्छी तरह से खूब कान खोल करके आप लोग दिमाग एकदम खाली करके सुनोगे, समझोगे, काफी इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। चलिए तो हम एक डब्बा लेते हैं, एक डब्बा ले रहे हैं बच्चों, ये हमारा एक डब्बा हो गया, सीधा नहीं बन रहा है, ठीक है ना। इसमें हमने एक सलूशन भरा, एक वो सलूशन वो भरा जिंक सल्फेट का, एक वस सलूशन। ओके, इसमें बच्चों हमने एक जिंक का राड डाला, क्या डाला, जिंक राड। ओके, ये जिंक राड हो गया बच्चों, जिंक राड। ओके, ऐसे ही हम दूसरा इधर कनस्तर बनाते हैं,
कुछ लोग सोचते भी आज घर चलेंगे, दो गिलास लेंगे और अपना गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल घर पर ही बनाएंगे। बना सकते हो, कोई बात नहीं है, पर आपके पास ये राच वगैरह होने चाहिए, केमिकल सब्सटेंस भी होने चाहिए, बन जाएगा, करंट भी क्यों होगा। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। इसमें बच्चों हम भर लेते हैं कॉपर सल्फेट का एकुअस सॉल्यूशन, एकुअस सॉल्यूशन। जैसे जिंक सल्फेट एकुअस सॉल्यूशन से बीकर में हमने जिंक राड डाला, ऐसे ही इसमें हम बच्चों कॉपर का राड डाल देते हैं। क्या डालते हैं? कॉपर राड। ये डाला कॉपर राड, कॉपर राड, ठीक है बच्चों। फिर इन दोनों राड, राड को तो इलेक्ट्रोड कहते हैं बच्चों, अब इनको हम जोड़ देते हैं, इन्हें हम कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ देते हैं। यहां पर बल्ब लगा सकते हो या एमीटर लगा सकते हो। सो मैंने लगा दिया एमीटर। ओके, एमीटर लगाया। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या हुआ कि रिएक्शन चालू हो गया स्पॉन्टेनियस। ओके, ये हमारा जिंक राड जो है क्या होने लगा, यहां पर जिंक जो है सॉलिड इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्वस में जाने लगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक राड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। मतलब यहां से जिंक आयन इस सोलूशन में आ रहे हैं, जिंक आयन कहां आ रहा है? सोलूशन में। इस कारण से जो है आपका जो जिंक की राड है वो पतली होती जा रही है, उसका वेट रिड्यूस हो रहा है, ठीक। तो जिंक, जैसे जिंक आयन जब इसमें आएगा तो इस प्राण पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, और जानते ही हैं आप इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, अर्थात आपका ये जो रॉड है नेगेटिव चार्ज हो गया। ये रॉड कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव रॉड हो गया। या इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, अच्छा, यहां पर देखो बच्चों, इसमें कॉपर आयन है और सल्फेट आयन है। ये इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों, यहां से ऐसे आ रहा है, आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हुए चला आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टिंग वायर के थ्रू आगे बढ़ता रहा, ठीक। इसमें कॉपर आयन और सल्फेट आयन दोनों हैं, तो कॉपर आयन देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो है कॉपर आयन इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ओके, अच्छा, इस रॉड के कंपेरिजन ये जो रॉड जो होगा वह पॉजिटिव होगा बच्चों, पॉजिटिव रॉड, पॉजिटिव रॉड, ठीक। अब करंट जो है फ्लो होने लगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन जो होगा बच्चों ये होगा, पॉजिटिव रॉड से निगेटिव रॉड की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, अंडरस्टैंड, आप जानते ही हो, बहुत ही समझदार प्राणी है आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर जो है
ऑक्सीडेशन हो रहा है इस पर, तो इस सेल इसको हाफ सेल कहेंगे, इसको दूसरा हाफ सेल कहेंगे, और ये हमारा हो गया डेनियर सेल। ओके, एक्सटर्नली जो है सर्किट हमारा कंप्लीट है। यहाँ इस पर जो है रिएक्शन हो रहा है, कॉपर जो आयन है सोल्यूशन के, वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले रहे हैं, गेन करके कॉपर सॉलिड बना ले रहे हैं, और ये रॉड जो है धीरे धीरे चिपकने मतलब मोटा होते जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो इस रॉड को हम कहेंगे एनोड। क्या कहेंगे? एनोड। एनोड पर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। और ये जो है पॉजिटिव चार्ज वाला, इसको क्या कहेंगे? कैथोड। हाँ, इलेक्ट्रो जो लिटिक सेल होता है उसमें बच्चों एनोड और कैथोड का थोड़ा सा चार्ज डिफरेंट होता है, वो जब आएगा तो आप लोगों को मैं बताऊंगा। आइए इन हाफ सेल्स के बारे में थोड़ा सा, हाँ कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए हमारे पास एक टर्म होता है लोन। लोन एल स्टैंड फॉर लेफ्ट, लेफ्ट में जो है ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ए स्टैंड फॉर एनोड और एन फॉर निगेटिव। ओके, तो ये आपको टर्म याद रखना पड़ेगा लोन। लेफ्ट, लेफ्ट वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, उसे एनोड कहा जाता है, उस पर निगेटिव चार्ज होता है। ओके, ऐसे ही राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड होगा उस पर रिडक्शन होगा, उसको कैथोड कहा जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इतना यदि याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है एनोड है और कौन सा कैथोड है। ओके, चलिए तो थोड़ा सा नाम के बारे में बता देते हैं। क्योंकि इस इधर लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। लेफ्ट में है, इसको कहेंगे लेफ्ट हाफ सेल। एनोड है, तो कह सकते हो एनोड हाफ सेल। क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो कह सकते हो निगेटिव हाफ सेल, निगेटिव हाफ सेल। ओके, या फिर फोर नेम हो गए इस हाफ सेल के, ऐसे ही इस हाफ सेल के भी फोर नेम होंगे। ओके, इसको कहेंगे यहां क्योंकि इस पर रिडक्शन हो रहा तो कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ओके, राइट साइड में तो कहेंगे राइट हाफ सेल। ओके, ये कैथोड है, कहेंगे कैथोड हाफ सेल। ओके, और साथ ही साथ ये पॉजिटिव है तो कहेंगे पॉजिटिव हाफ सेल। ये फोर नेम्स हो गए, तो किसी भी नेम पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो ये नेम आपको मालूम रहना चाहिए। ओके, हाँ अब आइए हम बात करते हैं आगे, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं, मिटाते हैं। इस लोन को भी मिटा देना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, याद होना चाहिए आप लोगों को। देखिए यहां पर हो क्या रहा बच्चों, इस जिंक रॉड से जिंक आयन जो है सोल्यूशन में आ रहा है, अर्थात यह पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। सोल्यूशन जो है हमारा लेफ्ट वाले हाफ सेल का, वो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। अब इसमें ज्यादा जब जिंक आयन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे। ओके,
इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, कहेंगे तुम किधर जा रहे हो, खींच लेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। अच्छा इधर देखिए बच्चों, यहां से कॉपर आयन जो है इस रॉड पर आ रहा है, कॉपर रॉड पर, और इस सोल्यूशन में सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज आयन जो है बढ़ जा रहा है। इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव चार्ज आयन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है, बताइए, रिपल्सन होता है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आयन है, सल्फेट आयन कह लीजिए, यहाँ पर सल्फेट आयन्स एक्यूमुलेट हो गया, सल्फेट आयन्स एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, इस कारण से इलेक्ट्रॉन का जो है फ्लो रुक जाता है। ये प्रॉब्लम है बच्चों, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को ओके आइए प्रॉब्लम थोड़ा सा लिख करके दिखला देते हैं। प्रॉब्लम क्या है बच्चों, इस सेल में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नोट कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है कि लेफ्ट हाफ सेल में, लेफ्ट हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज इन सॉल्यूशन प्रिवेंट्स इन लेफ्ट हाफ सेल पॉजिटिव चार्ज इन सॉल्यूशन प्रिवेंट्स, ओके, सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज आया, क्या रहा है पॉजिटिव चार्ज, वही जिंक आयन, जिंक आयन तो चार तरफ से घिर ले गया, जिंक आयन जो है चार तरफ से घेर लिए है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज जिंक पर पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये प्रॉब्लम है। आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिवेंट्स आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देता, कौन, सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही यहां पर इन राइट हाफ सेल नेगेटिव चार्ज इन सॉल्यूशन प्रिवेंट्स इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के इनवर्ड फ्लो को रोकता है, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के आउटवर्ड फ्लो को रोक देता है, ठीक है। तो इस कारण से करंट बंद हो जाती है, करंट का फ्लो रुक जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक युक्ति है, डिवाइस है, जिसको कहते हैं साल्ट ब्रिज, ठीक है। तो आइए साल्ट ब्रिज के बारे में बात करते हैं। साल्ट ब्रिज तो बच्चों साल्ट ब्रिज क्या होता है कि एक यू शेप का ग्लास ट्यूब होता है, इनवर्टेड होता है वो, ओके, इनवर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब। व्हाट इज साल्ट ब्रिज, इनवर्टेड
YouTube of class, ओके। इसमें बच्चों इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बच्चों KCl हो सकता है, K2SO4 हो सकता है, NH4Cl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बच्चों ये किसमें होंगे, इन अगर 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 पाउडर, ये आटे जैसा होता है, ओके। इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं तो ये सेमी लिक्विड स्टेट में आ जाता है, सेमी लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अब लिक्विड स्टेट में आयन जो होते हैं आराम से फ्लो होते हैं। मान लीजिए कि इसमें हमने क्या भरा है, KCl भरा है, क्या भरा है, KCl। तो Cl जो होगा इधर को फ्लो होगा और पोटेशियम आयन इधर को फ्लो होगा, ऐसे, ठीक है। इसको यहां पर हम लगा देते हैं, ओके। इसमें हम साल्ट ब्रिज लगा देते हैं, आइए उसको हम ब्लू कलर से लगा दे रहे हैं। चल साल्ट ब्रिज बन जाओ भैया, ठीक है ना, हाँ। ये रहा आपका साल्ट ब्रिज, ठीक। अब मान लीजिए KCl ही भरा हमने तो Cl आया, KCl इलेक्ट्रोलाइट टू भी आएगा, इधर पोटेशियम आयन आएंगे, इधर क्लोराइड आयन आएंगे, इधर पोटेशियम आयन आएंगे आएंगे, ये पोटेशियम आयन आकर क्या करेगा, इस सोल्यूशन में जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। ऐसे यहां पर क्लोराइड आयन जो है जिंक आयन को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। इस कारण से यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसमें जो है एक्यूमुलेट नहीं होने पाता और फिर से जो है इलेक्ट्रॉन जो होती है एनोड से कैथोड की तरफ चलने लगती है और करंट जो होता है तुम्हारा कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होने लगता है, ओके। तो ये साल्ट ब्रिज होता है। आइए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब बताने जा रहा हूं, साल्ट ब्रिज के फंक्शन, साल्ट ब्रिज के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको बना लीजिए, मिटाते हैं, ओके। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट आपके बोर्ड में आएगा, साल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन है साल्ट ब्रिज। पहला फंक्शन है बच्चों कि इट मेंटेन्स द, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल, आपके पास जो हाफ सेल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे ये निगेटिव चार्ज आयन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, ये जो है पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट का वह सोल्यूशन के निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है,
दूसरा फंक्शन होता है बच्चों कि इट कंप्लीट्स शॉर्ट ब्रिज कंप्लीट्स द सर्किट बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ कर देता है, इस कारण से सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाती है। तीसरा फंक्शन होता है आपके एनसीईआरटी में दोनों मिलेंगे। तीसरा फंक्शन जो होता है इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आइए इसको रेड पेन से हम समझाने का प्रयास करते हैं। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बच्चों हमारा जो सेल होता है वो तो दो डब्बा नहीं रहता है, एक ही डब्बा होता है, ठीक है ना। जो सेल आप मोबाइल में यूज करते हो, बैटरी यूज होता है, ऐसे ही रिमोट कंट्रोल में यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है, तो घड़ी में भी जो होता है वो तो एक ही सिंगल है ना कंटेनर होता है। उसमें भीतर से जो होते हैं दो पार्ट कर दिए जाते हैं, ये दो पार्ट कर दिया, ओके। एक जो है बच्चा आपका जो है, ये मान लीजिए कि आपका जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड हो गया और ये जो है कॉपर रॉड हो गया, इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक साल्ट ब्रिज हम नहीं लगाए रहते हैं तब तक क्या होता है बच्चों, इधर जो है पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होता रहता है इस बर्तन के इधर, ठीक है, इस पार्ट में पॉजिटिव चार्ज। हो गया, ऐसे ही इस तरफ जो होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेशन के टाइम, आप देखे ही हो नेगेटिव आयंस एक्युमुलेट हो जाते हैं। ओके, मतलब यहां पर जो है एक तरह का जो है जंक्शन पोटेंशियल हो गया प्लस माइनस की तरफ, ठीक है, ये जंक्शन पोटेंशियल हो गया, जंक्शन पोटेंशियल। इसका डायरेक्शन देख ही रहे हो एनो टू कैथोड, इसका वैल्यू 0.1 वोल्ट तक हो जाता है, ठीक है। जब हम साल्ट ब्रिज यूज करते हैं तो क्या होता है इनको समाप्त कर देता है, ये जो जंक्शन पोटेंशियल हो रहा है ना जीरो नहीं करता बल्कि उसको मिनिमाइज कर देता है, अप टू कर देता है, कितना छोटा कर देता है, इस जंक्शन पोटेंशियल को बहुत छोटा कर देता है, ओके। छोटा होता है तो उस समय 0.0001 वोल्ट हो जाता है। ये जो हमारा डेनियल सेल बना हुआ है बच्चों, इस डेनियल सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF जो होता है EMF 1.1 वोल्ट होता है एट नॉर्मल कंडीशंस, ओके। परंतु जब जंक्शन पोटेंशियल रहेगा 0.1 तो EMF घट जाएगा, हाँ सिंपली 1 हो जाएगा, इसीलिए साल्ट ब्रिज हम लगा करके जो है जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करते हैं, ओके। ये हो गया आपका जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, इसको नोट करिए, मिटाते हैं, मिटाएं, ओके।
अवर कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट ब्रिज के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए कंडीशंस, कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो ये इलेक्ट्रोलाइट किसका है, साल्ट ब्रिज का। साल्ट कैसा होना चाहिए, साल्ट ब्रिज वाला इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो पहला होता है बच्चों कि साल्ट ब्रिज का जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वो इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ओके, नॉन रिएक्टिंग, दैट इज नॉन रिएक्टिव। तो KCl होता है आप जानते ही हो, KCl हम जब लेंगे तो टूटेगा पोटेशियम आयन में और क्लोराइड आयन में, ठीक है। ये दीज डू नॉट, ओके, इट डज नॉट रिएक्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ आयन्स, एनी ऑफ आयन्स आर रॉड्स ऑफ द हाफ सेल। हाफ सेल, ओके, रिएक्ट करता पर सॉल्युबल बनाता बच्चों। जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेगा, पोटेशियम किस रिएक्ट करेगा, या जिंक जो है क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, Zn2+ + Cl - Zn Cl2 बनाता है, हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल। सॉल्युबल होने के कारण क्या होगा, जिंक फिर इसमें आ जाएगा, है ना, और क्लोरीन जो है आपके साल्ट ब्रिज में चला जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। ये जिंक क्लोराइड जो बना हुआ है ये पुनः टूट जाता है, ओके। अब मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रो लिया है सिल्वर का, लेट हमने क्या यूज किया है, सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज किया है, जिंक कॉपर के बजाय सिल्वर, जैसे कॉपर और सिल्वर का मैंने इलेक्ट्रोड यूज किया है, अब क्या होगा कि जो सिल्वर होगा Cl- से रिएक्ट करेगा और AgCl का YPPT बना लेता है, इन सॉल्युबल होता है, कैसा होता है, इन सॉल्युबल, अर्थात आप KCl नहीं यूज कर सकते, यू कांट यूज KCl, NH4Cl, ओके, इलेक्ट्रोलाइट इन साल्ट ब्रिज, इन साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज बिकॉज इट फॉर्म्स इन सॉल्युबल, बिकॉज इट फॉर्म्स इन सॉल्युबल AgCl,
ओके, AgCl का इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो ये पहला कंडीशन हो गया बच्चों, नोट कर लो। फिर मिटा करके दूसरा कंडीशन बताते हैं, मिटाते हैं। ओके, मिटाते हैं। दूसरा है, दूसरा कंडीशन है बच्चों, गुड आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए। गुड आयनिक मोबिलिटी, ओके, एंड इक्वल मोबिलिटी, अच्छी आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए और बराबर मोबिलिटी होनी चाहिए किसका, आपके टायन एंड एनायन। ऐसा नहीं कि पोटेशियम जो है यहाँ पर चुपचाप कुंडी मार करके बैठा, बोला कि क्लोरीन तुम जाओ जाओ क्लोरीन, है ना, ये चला गया एनायन चला गया, कैटायन वहीं पर रुका रहा, इसकी मोबिलिटी मतलब ठीक नहीं कही जाएगी तब। तो मोबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, आयन्स की मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, दोनों समान है ना रेट से दोनों को मोबाइल होना चाहिए। ओके, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में तो आयंस का बना होता है, तो दोनों आयंस की मोबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका जो है लोकोमोशन या मूवमेंट जो है वो पुअर हो, यदि पुअर होगा तो धीरे धीरे जो होगा ये चार्जेस जो होंगे न्यूट्रलाइज होंगे और आपको करंट जो होगा ठीक से नहीं प्राप्त होगा। ओके, तो ये रहा आपका डेनियल सेल। ओके, अब इसके बाद बच्चों है हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन। तो कहिए तो मिटा देते हैं, मिटा देता हूं। सेल रिप्रेजेंटेशन, वेडिंग लगाइए, सेल आता है एग्जाम में, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन ठीक है, वही जैसे कापर हमने सिल्क जिंक और कापर वाला जो हमने डेनियल सेल बनाया था वही ले लेते हैं एग्जांपल। जिंक सॉलिड था, क्या हुआ कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्वस स्टेट में आ गया। ओके, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दूसरा क्या हो रहा था बच्चों, कॉपर ले रहे थे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था, ये क्या कर रहा था, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा था, कॉपर सॉलिड बना ले रहा था, यहां पर रिडक्शन हाफ सेल हो गया, ये रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन है। ओके, तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे, ये जिंक है सॉलिड, फिर एक डंडी, फिर एक बस, फिर ये दो बड़ी बड़ी डंडी लगा देते हैं, ये साल ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, फिर यहां पर रिडक्शन वाला। ओके, हमेशा जो है लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन और राइट साइड में रिडक्शन वाला हम लिखते हैं और उनका फिजिकल स्टेट भी दिखलाते हैं। ओके, कभी कभी जो होता है बच्चों कंसंट्रेशन दिया रहता है, जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं कनस्तर में बीकर में उनका कंसंट्रेशन भी दिया रहता है, जैसे मान लीजिए कि 1 unimolar जो है कंसंट्रेशन रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का, तो उसको से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा,
अब एक्वस नहीं बल्कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं वन याम, मतलब जो भी जितना मोलारिटी होगा वो लिख देंगे, फिर दो पाई खींचेंगे ये 20.5, फिर कापर इसकी भी मोलारिटी लिख लेंगे जो भी होगा कॉपर सॉलिड। ओके ये आपका रहा सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे क्रोमियम वाला भी आप बना सकते हो, क्रोमियम है लेड, लेड हो गया क्रोमियम लेड जो है ये सेल जो है उसका सेल रिप्रेजेंटेशन। तो यही सेल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, केमिकल रिएक्शन होता दिया उसी से हम सेल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको लेफ्ट साइड में, फिर तो बड़ी लंबी लंबी लाइंस खींचते हैं साइड फेस, राइट साइड में रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं ड्रॉ कर देते हैं। और इस सेल रिएक्शन की बात करते हैं, मिटा दें ओके। सेल रिएक्शन सेल रिएक्शन के लिए बच्चों हाफ सेल दिया ही रहेगा या सेल ही दिया रहेगा, मान लो सेल रिप्रेजेंट किया हुआ है ओके। वही हम ले रहे हैं सॉलिड है, क्या कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक वर्स कंडीशन में आ रहा है ओके। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल कॉपर एक वर्स कंडीशन में जो है दो इलेक्ट्रॉन लेगा कॉपर सॉलिड बना लेगा, ये आपका रिडक्शन हाफ सेल। इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसिल, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। चलो जोड़ोगे तो आ जाएगा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर डबल पॉजिटिव एक्वस इक्वल टू जिंक डबल पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर, ये सेल रिएक्शन हो गया सेल रिएक्शन। आइए क्वेश्चन देता हूं वो आप बनाओगे, राइट सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन फॉर ओके। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल हाफ रिएक्शन लिख लेंगे, निकिल सॉलिड है क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दो, रिडक्शन सेल रिएक्शन लिख लेंगे एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखिए ये तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया और ये रिडक्शन हाफ सेल, यहां पर देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन रिडक्शन वाले में है और दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन वाले में, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको दो से, तब जाकर के कटेगा तो हो जाएगा आपका निकिल सॉलिड प्लस टू ईजी एक्वस निकेल डबल पॉजिटिव एक्वस प्लस टू ईजी सॉलिड, ये रहा आपका सेल रिएक्शन।
अब आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप लोग घर से बना करके लाओगे, ठीक है? क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ होमवर्क। राइट सेल रिएक्शन फॉर फॉर लेट आसान है, कर सकते हो, ठीक है ना? इसको कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज अब मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब फिर मिलेंगे अगले दिन।